नमस्कार, आप देख रहे हो कोल्लम पेज। अगर आप भी सोने के आभूषण खरीदने वाले हो लेकिन भाव ज़्यादा होने से खरीदारी नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए बड़े काम की जानकारी आ चुकी है, जिससे कि आप सस्ते में सोने के आभूषण खरीद सकते हो। वैसे कि आपको पता है कि सोना गुलाबी, हरा और सफ़ेद रंग का भी होता है। दरअसल भारतीय लोगों को सोने के आभूषण काफ़ी पसंद होते हैं, लेकिन सोने से जुड़ी जरूरी जानकारी नहीं होती, इसी वजह से उन्हें सोने की खरीदारी बड़ी महंगी पड़ जाती है। अगर आप भी सस्ते में सोने के आभूषण खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। और इसी के साथ में आप सभी से प्यारा सा निवेदन है कि अभी तक आपने कोल्लम बेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर दे, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर रोजाना सोने और चांदी के भाव देते रहते हैं, और आपका प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब भी हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए तो बात करें सोने की, तो भारत में सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी होती है। सोने को खरीदने से पहले सोने की कीमत को जानना बहुत ही जरूरी है। उसी तरह से सोने की कैरेट को भी जरूर जान लें। अगर आप बाजार से सस्ता सोना खरीदना चाहते हो तो आपको सोने की कैरेट के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई लोग लाखों का सोना काफी सस्ती कीमत पर खरीद लेते हैं। वही सोने की खरीदारी करते समय याद रखें कि जितना ज्यादा सोने का रेट होगा उतनी कीमत ज्यादा होगी, और जितना कम कैरेट का सोना होगा उतनी कीमत कम होगी। यानी कि अगर आप कम कैरेट का सोना खरीदते हो तो आपको सस्ते में सोना मिलता है। और ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने के बारे में। चलिए तो बात करें 24 कैरेट सोने की, तो 24 कैरेट का सोना प्योर गोल्ड है, यानी कि इसमें कोई अन्य धातु नहीं मिलाई जाती है। हालांकि 24 कैरेट सोने से सोने की ज्वेलरी नहीं बनती है, क्योंकि 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है जो बेहद ही नरम होता है और हाथों से भी मुड़ जाता है, इसीलिए इस पर डिजाइन नहीं बनती है। 24 कैरेट सोने में कोई भी अन्य धातुएं नहीं मिलाई जाती है, इसीलिए 24 कैरेट सोना बेहद ही शुद्ध होता है, इसीलिए इसका भाव भी काफी ज्यादा होता है। वही टीवी और अखबार में ज्यादातर 24 कैरेट सोने के भाव ही दिखाए जाते हैं। और इसके बाद है 22 कैरेट का सोना। 22 कैरेट सोने से सोने की ज्वेलरी बनाई जाती है। ज्यादातर लोग 22 कैरेट का ही सोना बनवाते हैं, लेकिन हीरे जड़ित आभूषण 22 कैरेट सोने से नहीं बनाए जाते हैं। ज्यादातर भारतीय 22 कैरेट सोने से सोने के आभूषण बनवाते हैं। और इसके बाद है 18 कैरेट का सोना। यह श्रेणी 75% सोना और 25% तांबा और चांदी वाली होती है। यह बाकी दो श्रेणियों की तुलना में कम महंगी होती है, और इसका इस्तेमाल स्टड और हीरे के आभूषण बनाने में किया जाता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। 18 कैरेट का सोना 22 कैरेट और 24 कैरेट की श्रेणी की तुलना में मजबूत होता है, इसीलिए लाइट वेट और ट्रेंडी ज्वेलरी बनाने में या सादे डिजाइन तैयार करने में 18 कैरेट सोने का ही इस्तेमाल किया जाता है, और इसके भाव भी काफी कम होते हैं। और इसके बाद आखिर में आता है 14 कैरेट का सोना। यह श्रेणी 58% शुद्ध सोना और शेष अन्य धातुओं की होती है। यह भारत में अधिक चलन में नहीं है। चलिए तो अब बात करते हैं कि कौन से कैरेट का सोना कितना सस्ता होता है। मान लीजिए कि आपके घर में शादी ब्याह या त्योहार है और आपको 10 ग्राम का सोना खरीदना है, तो आपको 24 कैरेट शुद्ध सोने का 50,000 रुपए देने होंगे, तो वहीं 22 कैरेट सोने के 45,830 रुपए, तो वहीं 18 कैरेट सोने के 37,500 रुपए और 14 कैरेट सोने के 29,166 रुपए आपको देने होंगे। यानी कि ना तो सोने का कलर बदलेगा ना ही डिजाइन बदलेगा। अगर कैरेट ज्यादा होगा
तो आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे, और अगर कैरेट कम होगा तो आपको कम पैसे देने होंगे। और अभी ये आपके हाथ में है कि आपको सस्ते में सोना खरीदना है या फिर महंगे में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और रोजाना सोने और चांदी के भाव को जानने के लिए तुरंत ही गोल्डन पीस को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।